लोगों में नाराजगी है, आक्रोश है, देखते हैं सीधे हम पहले बात करेंगे मनोहर दुबे से, राम मनोहर दुबे जी से। दुबे जी, क्या मामला, क्यों इतनी मौतें हो रही है आपके? ये जो जब से 5G टावर लगा है तब से हमारे गांव में 32 लाश गिरी है और रोज के लोग मारते हैं कब तक हम लाश उठाएंगे। जब आदमी नहीं रह जाएगा तो हम 5G को क्या करेंगे? जो हमारा 4G चलता था उसी से हमारा काम चलता था, तो हमको 5G की क्या जरूरत है? नहीं, ये 5G लगा दिया, कब पता चला आपको? अरे 20-21 दिन से, अभी पता, 21 दिन हुए, 20-22 दिन हुए लगे। और कितनी मौतें हो गई? 32 लाश गिरी है। आपके घर से कौन खत्म? हमारी औरत खुद खत्म हुई, आज हमारी लड़की मरते बच गई, तो बताओ हम लाशें उठाने के लिए बने हैं क्या? हमको गवर्नमेंट कोई साहब ये बता दे कि लाश उठाने के लिए, तो हमको भी गोली मार दे, क्या मतलब है हमारा जीने का? अच्छा जी, यहीं पर भी मौतें हो रही है कि मतलब आपके अगल बगल जो गांव है? नहीं, अगल बगल नहीं हो रही, अगल बगल नहीं हो रही, हमारे गांव में ही हो रही हैं। क्या कर रहे हैं आप? हमारे ही गांव में ही मिट्टियां हो रही हैं। कितनी मौतें हो चुकी? 32। और अगल बगल भी एक भी मौत नहीं हुई? नहीं, एक को नहीं। मौत नहीं हो रही है, क्या मतलब है जी? या को मौत नहीं हो रही अगल बगल पुरवन में? तो मतलब आप लोगों का मानना है कि जो टावर है इसके रेडिएशन से मौतें हो रही है? इसी से मौत हो रहा है। अगर नहीं मानना तो एक महीने के लिए हटा के देख लें, हमारे गांव मिट्टी नहीं होगी। अगर हो रहे हैं तो फिर से लगा लें अपन। जी, क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं अगर नहीं हो रही हैं तो फिर से लगा के देख लें, एक महीना कितने हटा दिया जाए, और अगर मिट्टी ना हुई है तो फिर नहीं लगाने देंगे, अगर हो रहे हैं तो फिर से अपना आप लगा सकते हैं। मतलब इनके कहने का मतलब स्पष्ट है, आप हमारे 20 दिन से लगाया, 20 दिन से 32 मौतें हो चुकी है, अब आप उसको आप हटाइए और हटा लीजिए, अगर फिर भी मौतें हो रही हैं तो हम मान लेंगे कि ये टावर की वजह से मौतें नहीं हो रही हैं, ये कोई और कारण है, कोविड भी तो हो सकता है भैया। नहीं जी, हाँ यही बात है, कोविड भैया पर साल रहा, एक भी मौत नहीं हमारे गाँव में हुई जी। कोविड पर साल भी रहा है, एक भी मौत हमारे गाँव में नहीं हुई। इस मामले पर और किसी को, अधिकारियों को या किसी को सूचना दी आप लोग? नहीं, किसी को नहीं दी। आप देंगे? अब देंगे आप लोग? हाँ, जो हो सकेगा करेंगे, चाहे मरना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े। क्या कर रहे हैं? और हमारा गांव सब तैयार है। पहले मौतें हुई तो लगा कि बीमारी से हो रही होंगी, क्यों? मगर हर आदमी को इस समय ऑक्सीजन का एहसास हो रहा है कि यहाँ पे कोई झार मार रही है, जब से टावर लगा है 20 दिन में। भैया तुमको क्या लगता है? अरे महसूस तो हो रहा है। महसूस होता है? महसूस होता है ज्यादा, पहले की अपेक्षा अब दिक्कत ज्यादा हो रही है। अब पहले से बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। तो क्या लगता है, कुछ दिन आदमी बीमार होता है कि सीधे चटपट खत्म? नहीं, तुरंत तुरंत, दो घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। हमारी औरत रात भर में खत्म हो गई। कितने साल की थी? 45 साल की थी। तो यहाँ जो लोग अभी पिछले दिनों खत्म हुए उनकी उम्र क्या है लगभग? लगभग सब 40-45 वाले खत्म हुए, 40-45 वर्ष के लोग। उनमें कोई छोटा बच्चा या 14 साल का, 12 साल का? नहीं, ऐसा कोई नहीं खत्म हुआ, ऐसा कोई नहीं है। मगर जब 40-45 साल वाले मर जाएंगे तो छोटे बच्चे क्या करेंगे? चल, जब हम ही मर जाएंगे तो बच्चे हमारे क्या संभालेंगे, बताइए कैसे आप लोग भाई निजात पाओगे इस समस्या से? क्या लगता है आप टावर का विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, सब लोग करेंगे, पूरा गांव करेगा विरोध करेंगे, प्रधान भी करेंगे, सब लोग ही करेंगे। देखिए यहीं पर अभी जो नवनिर्वाचित प्रधान प्रतिनिधि हैं मिठाई लाल कुशवाहा जी, यहाँ पे महिला सीट थी, अब प्रधान जी, प्रधान जी आप क्या करेंगे, कैसे गांव वाले समस्या? पूरी पब्लिक, पूरी जनता हमारे साथ है और ये बहुत जल्दी है। हम बता रहे हैं आज भी, अगर 8 दिन के, 2 दिन के, 3 की सुनवाई नहीं होती तो हम पूरा टावर ध्वस्त कर देंगे, चाहे भोसड़ी के हमको गोली मार कोई मार दे, हमको गोली खाने का डर नहीं है, हम मर जाएंगे मगर हमारा गाँव तो बच जाएगा। मतलब दुबे जी कह रहे हैं कि अगर ये 2 दिन के अंदर कोई सुनवाई इसमें नहीं हुई है, लेकिन पहले आप अधिकारियों को सूचना भी दे दीजिए, वरना इस टावर को हम गिरा देंगे, कह रहे हैं। हम सब कुछ करें, अधिकारी के पास जाएंगे, जहाँ चलो हम चलने के लिए तैयार हैं और मरने के लिए तैयार हैं। अरे हमको बुलवाया है ना फोन करके, तो इससे अच्छा अधिकारियों के पास जाते पहले। नए अधिकारी के पास जाएंगे, हम कल जाएंगे, जहाँ तक हम, जब आप जाइएगा तो हमको फिर बताइएगा। देखिए यहाँ के लोगों ने लगातार मौतें हो रही थी, कल मेरे पास यहाँ के एक लोग गए हुए थे घर, रात में भी गए थे, शायद उनका नाम सुशील कुशवाहा था, वो मेरे पास गए, उन्होंने कहा भैया आपको हमारे गांव आना है, तो हमने कहा ठीक है। आज मिठाई लाल कुशवाहा जो यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि, उन्होंने फ़ोन किया, यहाँ के 2-3 लोगों ने और भी बताया हमको, भैया यहाँ लगातार मौतें चल रही हैं और खाली तुम न्योता माँ आवा थो न्योता माँ, जब जब न्योता शुरू भा है 2 साल से, जौने जौने दिन न्योता पड़ा है, तुम वही दिन जरूर लॉकडाउन लगवाए हो, वही दिन तुम जरूर आए हो। हमारे ये साल में 20 न्योता रहे, 20 20 न्योता का मतलब समझा तो, एक दिन 100 ग्राम पनीर खाए, 20 दिन 2 किलो पनीर के नुकसान करो, और 60 रसगुल्ला, खीर अलग से,
कहूं कहूं तो बफर सिस्टम रहा था, बहुत आइटम रहा था, लेकिन तुम बेदर्दी हो कोरोना। न्यूनतम ना आवा करो यार, न्यूनता तुम बहुत नुकसान करा है। एक बेरोजगार आदमी न्यूनता का सहारा होता, 20 न्यूनता रहे जो उन्हें आठ बारात रहे। आठ बारात का मतलब समझा तो, आठ बियर। कोनो व्यवहारी परदेश से आवत है तो ज्यादा खुशी रहते, रेस्टोरा मंगा देते। कोनो ज्यादा पिए रहते को वेस्टरा मंगा देते। लेकिन नहीं, तुम कल न्यूटे में आवेगा, न्यूटा में आयो, 20 न्यूटा खायो, साला पनीर के दर्शन तक नहीं भा, दर्शन तक नहीं भा। आदमी सोचा था तो अगर 20 आदमी खाना बने गए, कुमारा की सब्जी पूरी बनाए खत्म करीस। कोरोना यार 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन के जिंदगी में 2 दिन तुम ले रहे हो, बचे 2 दिन। एक दिन तो पूरा सोवे में निकल जाता, बचा एक दिन, और एक दिन में तो आदमी का करी बाबू। तुम बहुत गंदे मनाई हो, चले जाओ यार, बेरोजगार आदमी के दर्द समझो, कितना न्यूता हाल जा करे हो, कितनी नौटंकी कैंसिल कराए हो, जाओ यार। घर मसाला स्प्लेंडर के चाबी मांगी तो नहीं देती।